एनर्जेटिक स्टार राम पोथिनी एक काफ़ी टैलेंटेड टॉलीवुड एक्टर है जिन्होंने 2006 से शुरू करके अभी तक की कई सारे सक्सेसफुल फिल्में दे चुके हैं। तो दोस्तों आज मैं राम पोथिनी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप हैं राम पोथिनी की फैन तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, देवदासु। ये 2006 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको रेड किया है YVS चौधरी ने और इसमें राम पोथिनेनी और इलियाना डी'क्रूज लीड रोल में है। इसमें देवदास और भानुमति के बीच में प्यार को दिखाई गई है और इसका हिंदी डब्ड है सबसे बड़ा दिलवाला नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला है 4.9/10 और इसका बजट था 3 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन रहा 11 करोड़ और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 15 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर टू, जगदम। ये 2007 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है सुकुमार ने और इसमें राम और ईशा सहानी लीड रोल में है और इसका हिंदी डब्ड है डेंजरस खिलाड़ी रिटर्न्स नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.8/10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर थ्री, रेडी। यह 2008 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है श्रीनु वैतालन ने और इसमें राम पोथिनेनी और जेनिलिया लीड रोल में है। इसमें एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट चांदू पूजा से प्यार करते हैं जिनको वो गलती से किडनैप कर लेते हैं और इसका हिंदी डब्ड है रेडी नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.2/10 और इसका बजट था 10 करोड़ और इंडियन कलेक्शन रहा 28 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 35 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर फोर, मस्का। ये 2009 का रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है गोपाल ने और इसमें राम पोथिनेनी, हंसिका मतवानी और शीला लीड रोल में है। इसमें क्रिश एक रिच लड़की मंजू को पाने के लिए अपने फ्रेंड मीनू के साथ प्यार का एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करते करते मीनू से ही सच्चाई में प्यार करने लगते हैं और इसका हिंदी डब्ड है फूल और कांटे नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.2/10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर फाइव, गणेश जस्ट गणेश। ये 2009 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है एम सरावानन ने और इसमें राम पोथिनेनी और काजल अग्रवाल लीड रोल में है और इसका हिंदी डब्ड है एक योद्धा नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5/10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर सिक्स, रामा रामा कृष्णा कृष्णा। ये 2010 का एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है श्रीवास ने और इसमें राम पोथिनेनी, प्रिया अनंत और बिंदु माधवी लीड रोल में है। इसमें एक डॉन देवा अपनी माफिया लाइफ को छोड़ देता है जब उसके वाइफ एक माफिया के हाथ में मर्डर होती है और इसका हिंदी डब्ड है नफरत की जंग नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.4/10 और इसका बजट था 8 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन रहा 12 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 16 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर सेवन, कंदीरीगा। ये 2011 का रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है संतोष श्रीनिवास ने। इसमें राम पोथिनेनी और हंसिका मतवानी लीड रोल में है। इसमें श्रीनु और श्रुति के बीच में लव स्टोरी के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाई गई है और इसका हिंदी डब्ड है डेंजरस खिलाड़ी 4 नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.2/10 और इसका बजट था 10 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 20 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 28 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर एट, इंदु कांते प्रीमांता। ये 2012 का पैरानॉर्मल रोमांस फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है एक करुणा कारण ने और इसमें राम पोथिनेनी और तमन्ना लीड रोल में है और इसका हिंदी डब्ड है डेंजरस खिलाड़ी 5 नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.1/10 और इसका बजट था 8 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 10 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 12 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर नाइन, अंजलि गीता। यह 2013 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है वस्कर ने और इसमें राम पोथिनेनी और कृति खरवंदा लीड रोल में है और इसका हिंदी डब्ड है महावीर नॉन्ग वन नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5/10 और इसका बजट था 7 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 9 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 12 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर टेन, मसाला। ये 2013 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है के विजय वशकन और इसमें राम पोथिनेनी, वेन कतेश और अंजलि लीड रोल में है।
इसका हिंदी डब्ड है एक और बोल बच्चन नाम से, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.4 आउट ऑफ 10, और इसका बजट था 12 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 14 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 17 करोड़, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर 11, पंदुगा चेस्को। ये 2015 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है गोपी चंद मालिनेनी ने, और इसमें राम पोथिनेनी राकुल प्रीत सिंह लीड रोल में है। इसमें एक मनी माइंडेड टाइकून कार्तिक रिच फैमिली के लड़के अनुष्का से इंगेज होते हैं और फिर इसका कहानी शुरू होते हैं, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.3 आउट ऑफ 10, और इसका बजट था 10 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 16 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 20 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 12, शिवम। यह 2015 का रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है श्रीवर्षा रेड्डी ने, और इसमें राम पोथिनेनी और ऋषि खन्ना लीड रोल में है, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.3 आउट ऑफ 10, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर 13, नीनू साइलाजा। ये 2016 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है किशोर तिरुमाला ने, और इसमें राम पोथिनेनी और कीर्ति सुरेश लीड रोल में है। इसमें एक यंग लड़का हरी को साइलाजा ने रिजेक्ट करते हैं, और इसके बाद वो अपने माइंड सेट चेंज करने की कोशिश करते हैं, और इसका हिंदी डब्ड है द सुपर खिलाड़ी 3 नाम से, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.9 आउट ऑफ 10, और इसका बजट था 12 करोड़, इनर कलेक्शन रहा 24 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 30 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 14, हाइपर। ये 2016 का एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है संतोष श्रीनिवास ने, और इसमें राम पोथिनेनी और ऋषि खन्ना लीड रोल में है। इसमें एक यंग लड़का सूर्या और एक पावरफुल मिनिस्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई गई है। इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.6 आउट ऑफ 10, और इसका बजट था 14 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 18 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 24 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 15, वुनाधी ओकाते जिंदगी। यह 2017 का कमिंग ऑफ एज ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है किशोर तिरुमाला ने, और इसमें राम पोथिनेनी और लवेना त्रिपाठी लीड रोल में है। इसमें अभी और वसु दोनों फ्रेंड्स के बीच में फाइट होता है जब एक लड़की इन दोनों के लाइफ में एंटर करता है, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.4 आउट ऑफ 10, और इसका बजट था 16 करोड़, इनेट कलेक्शन रहा 22 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 25 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 16, हेलो गुरु प्रेमा कोसामे। यह 2018 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है त्रिनाधर राव नक्कीना ने, और इसमें राम पोथिनेनी और अनुपमा परमेश्वरन लीड रोल में है, और इसमें संजू और अनुपमा के बीच में प्यार को दिखाई गई है, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7 आउट ऑफ 10, और इसका बजट था 20 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 24 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 35 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 17, iSmart शंकर। यह 2019 का साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है पूरी जगन्नाथ ने, और इसमें राम पोथिनेनी नभा नतेश और निधि अग्रवाल लीड रोल में है। इसमें एक लड़का के हेड में मोबाइल फोन और सिम कार्ड इंसर्टेड होता है, और वो पुलिस को कैसे हेल्प करते हैं वह इसमें दिखाई गई है, और इसमें राम पोथिनेनी का स्मार्ट एक्टिंग फैंस को काफ़ी पसंद आई है, और इसका हिंदी डब्ड है स्मार्ट शंकर नाम से, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.8 आउट ऑफ 10, और इसका बजट था 20 करोड़, इसका इंडियन कलेक्शन रहा 44 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 65 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 18, रेड। यह 2020 का अपकमिंग तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है किशोर तिरुमाला ने, और इसमें राम पोथिनेनी निवेदा पेथुराज और मलविका शर्मा लीड रोल में है, और इसी फिल्म के साथ डायरेक्टर किशोर और राम पोथिनेनी के बीच में थर्ड कोलाबोरेशन होंगे। इससे पहले इन दोनों ने मिलकर नेनू साइलाजा और वुनाधी ओकाते जिंदगी जैसे फिल्में दे चुके हैं, और अपकमिंग फिल्म रेड ये 2019 का तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म थाडम का तेलुगु रीमेक है। इसमें एक मर्डर केस के लिए जुड़वा भाई के साथ पुलिस का कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई गई है, और इसमें काफ़ी थ्रिलिंग भरा एवेंचर देखने को मिलेगा। और बता दो दोस्तों, रेड मूवी रिलीज होगा 9 अप्रैल 2020 में। तो दोस्तों, आप रेड मूवी के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, ये रहा राम पोथिनेनी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। इन सभी फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और इस तरह की बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।